फ्रेंड्स, अभी सुबह हो गई है। उत्तराखंड की ठंड, उत्तराखंड की ठंड। और ये ताऊ जी हैं जो अभी अभी उठ गए हैं। और ताऊ जी, कैसा लग रहा है ठंड में? बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड लग रही है। और देखो, मैं तो भाई रजाई में आराम से, और रात को तो भाई गर्मी लग रही थी क्योंकि रजाई के अंदर बिल्कुल आपको लगेगा बिल्कुल गर्म। और यहाँ के जो मकानों के अंदर का जो बनावट है, ऊपर लकड़ी और इधर आप दीवारों में पत्थर के ऊपर मिट्टी, नीचे भी मिट्टी है, तो अंदर की बनावट ऐसी है कि गर्म गर्म रहती है, लेकिन बाहर है ठंड। उधर वो हमारी दादी जा रही है। हाँ, ये दादी जा रही है। दादी नमस्ते। जो है ये दादी जा रही है हमारी, और आप देख सकते हैं सामने, वो देखिए वो चोटी में ना हिमालय। हाँ, अभी मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा, और आप देख सकते हैं वो देखिए, वो सीधा शायद आपको अभी सही से प्रॉपर नहीं दिखाई देगा, लेकिन और जब और धूप होगी तो और ज़्यादा साफ हो जाएगा। और ये देखिए, इस तरीके से पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये देखिए, मौसमी का पेड़ है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो फिलहाल अभी हम थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। और क्या हो रहा है, पानी भरने आ गए? अच्छा, ये पानी भरा जा रहा है और अभिषेक आ गया है पानी भरने। कैसा लग रहा है? बढ़िया भैया। नाश्ता हो गया? हाँ, बस अब करेंगे नाश्ता भी। अच्छा, और ताऊ जी हाय कह दो। अच्छा, तो ये कहानी है कि इधर की तरफ धूप ज़्यादा होती है और इधर धूप, ये ठंडा इलाका है। वो गर्म इलाका है। और यहाँ पे खेती वेती सब कुछ होती है, यहाँ पे लोग खेती करते हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। ये लहसुन उगा रखे हैं, और आप देख सकते हो ये सारा सौलाड है, और ये मैंने दिखा दिया है, और ये नीचे जो है वो तल्ली सौलाड है। हाँ, वो नीचे तल्ली। और इसके नीचे क्या है? थापला। अभी तो थापला नजर नहीं आएगा आपको, और थापला तो नीचे है, तल्ली सौलाड भी आपको खाली है। हाँ, वो नीचे। और आप धीरे धीरे कुछ आवाज सुन रहे होंगे, तो ये जागर लग रहे है ना? हाँ, अभी ढोल बज रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे यही है, बस यही कल्चर है, और धीरे धीरे लोग अब इस कल्चर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी यंग जनरेशन है जो बाहर हैं, इंडिया या अपने उत्तराखंड से बाहर हैं या आउट ऑफ इंडिया हैं, तो उनको देख के शायद बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, और धीरे धीरे वो लोग भी आएंगे, यंग जनरेशन आएगी, यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी गांव थोड़ा खाली खाली नज़र आ रहे हैं, और इतनी अच्छी धूप खिली हुई है, मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है। थोड़ा सा 1% का पॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री और सुकून भरी लाइफ है। और जैसे डिजिटली आगे इंडिया बढ़ता जा रहा है, डिजिटल इंडिया होता जा रहा है, और जैसे जैसे इंटरनेट बहुत फास्ट होता जा रहा है, तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में अब गांव शहर इतना कुछ अंतर नहीं रह जाएगा, और लोग गांव में भी आएंगे रहने के लिए, क्योंकि आजकल सारा काम इंटरनेट से होता है। गुलाब उत्तराखंड जो थोड़ा खाली था वो भरा भरा नजर आएगा आने वाले टाइम में। हाँ, तो इधर देख के बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो? शर्मा क्यों रही है, बोल रहे। अरे तो बोल तो ले। ये गांव का आपका नाम? मतलब नीता। और ये छोटी का नाम? अक्षिता। Thank you.
भी जो है जो भी देवी देवता होंगे सारे प्रकट होंगे। उसके बाद सुबह जो है पूजा होती है पहले घर में, उसके बाद फिर जो ये पहिया बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, इसे पहिया कहते हैं। इसको पहिया कहते हैं। अभी जो हमने बाज देखा, हाँ, तो ये इसकी पहले पूजा होती है, अच्छा। और कहते हैं कि इसमें जो है सांप का वास होता है पहिये पे जो है। अच्छा। ये विष्णु स्वरूप है, मतलब विष्णु स्वरूप का मतलब है उसके वो होगा। तो उसके यहाँ पे जो है वो गरुड़ कहते हैं कि गरुड़ जो है जब दिखेगा वो ऑटोमेटिक जब यहाँ पे कार्यक्रम होगा, अच्छा अच्छा, वो गरुड़ जो है ऊपर से वो दिखाई देगा। अच्छा, जब तक वो गरुड़ दिखाई नहीं देगा तब तक पूजा चलती रहेगी। जब गरुड़ दिखाई देगा उसके बाद फिर वापसी घर को चले। अच्छा, तो अब जो है वो खाना वाना, अब आगे का कार्यक्रम जो है थोड़ा बकरी वगैरह वो करेंगे। अच्छा अच्छा, और पूजा करेंगे और उसके बाद फिर खाने की तैयारी होगी। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब एक शॉर्ट में आपने बता दिया। शॉर्ट में बता दिया, हमारे बाकी डिटेल में जो है मतलब शॉर्ट में हमें काफी कुछ बता दिया है। तो जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं तो उनको थोड़ा काफी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी, जो संस्कृति हमारे कल्चर के बारे में ना जानते हो, जो जानते होंगे जो पुराने लोग होंगे उनको तो पता होगा। एक आज जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी हम एक बार साक्षात्कार करेंगे। हाँ, तो फिलहाल हम उधर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, घर की तरफ जा रहे हैं। और ये आगे आप देख रहे होंगे सारी टोली, सब ये सब पूरे गाँव वाले हैं सब। और ये जो झंडा है इसका क्या मतलब है? ये निशान बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, तो ये सब ये निशान जो है जब ये आए होंगे वापसी इधर पूजने के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये सफेद वाला आगे होता है और लाल वाला पीछे रहता है। अच्छा, अब लाल वाला जो है हमारा कार्यक्रम हो चुका है यहाँ पर का, इसलिए अब लाल वाला आगे चला गया और ये व्हाइट जो निशान कहते हैं इसको ये पीछे हो गया। अच्छा, तो मैं एक तो मतलब ये कि पहले ये राजा महाराजाओं से चला आ रहा है। अच्छा, कि पहले तो जो है सौम्यता के रूप में चलो और उसके बाद जब हमारी विजय प्राप्त हो जाती है हमको किसी चीज में। अच्छा, तो उसके बाद हम जो है कहते हैं कि गर्व हो गया हमको, तो इसलिए जो है लाल झंडे को हम आगे कर देते हैं। ओके, तो अब मेरे को एक और चीज़ पूछनी है ताऊ जी। जैसा आपने शॉर्ट में काफ़ी कुछ बताई थी है, अब ये जितने भी लोग हैं जैसे ये गुसाई हैं, कोई जिरधारी हैं, तो इन सब के जो झंडे हैं वो सेम होते हैं या अलग अलग होते सेम हैं? ये सेम ही होते हैं सबके। अच्छा, सबके झंडे सेम हैं, सबके ये होते हैं, ये जो निशान कहते हैं इसको। अच्छा, और सब अलग अलग गाँव का है, ये अलग अलग एक अलग प्रोसीजर रीति रिवाज। अच्छा, कहते हैं इनको तो रीति मतलब, अलग अलग मतलब लगभग थोड़ा सेम होता है लेकिन हल्का सा उसमें डिफरेंस होता है। थोड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा, और ऐसे गढ़वाल है, ऐसे कुमाऊं है, सब में थोड़ा हल्का हल्का डिफरेंस है। इलाके जितने भी होंगे ये देवी देवताओं का इसमें वास कहते हैं कि वास है, जितने भी चाहे वो हमारा कुमाऊं है, गढ़वाल है या हिमाचल भी है थोड़ा वो, ज़्यादातर जो है इसमें हमारी देव भूमि ये इसी को कहते हैं उत्तराखंड को। अच्छा, इसको पूरा ही जो है देव भूमि कहा जाता है। मतलब देवी देवताओं का वास हुआ है। और कहते हैं कि यहीं से जो हमारे ये जो बद्रीनाथ है, तो यहीं से जो पांडव लोग थे तो यहीं से जो है अपने स्वर्ग को गए हैं। अच्छा, तो मतलब तो इसलिए बद्रीनाथ का वहीं से जो जब पांडव अपने उधर की तरफ तीर्थ उसमें गए थे तो यहीं से होते हुए गए हो, तो वहीं से होते हुए जो है बद्रीनाथ से होते हुए निकले हो। अच्छा, हाँ, तो काफी कुछ जानने को मिला। तो ताऊ जी इस गांव के बारे में और कुछ बताओ कि ये कितना पुराना गाँव है। ये तो अब ये मान के चलो कि हाँ 3-4 पीढ़ी हो गए होंगे। अच्छा, हमारे देखते हैं। अच्छा, 3-4 पीढ़ी से आपको जितने तक इन्फॉर्मेशन है वो 3-4 पीढ़ियों का आपको पता है? है। अच्छा, 3-4 पीढ़ी मतलब है कि 150-200 साल पहले। तो ये बहुत पहले ऐसा रहा होगा कि जब हमारे पूर्वज यहाँ आए होंगे, हमारे पूर्वज तो यहाँ उन्होंने वास्तविक हमारा जो एक महाकाली की पूजा करते हैं खाला गाँव। अच्छा अच्छा, तो वास्तविक जो हमारे प्रॉपर है वो वहीं के हैं हम लोग। तो वहाँ से जो है इधर आए हैं हमारे जो पैतृक पूर्वज। अच्छा, वो यहाँ पे आए सोलाड़ में। अच्छा, तो धीरे धीरे ऐसे ही सारे गांव बसते गए बसते गए। हाँ, तो फिलहाल
ये पता होना चाहिए अपने कल्चर के बारे में, बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि देखा जाए तो हम भी वहीं से ही आए हैं, तो हमें वो चीज़ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हम कैसे आए हैं, क्या था हमारा कल्चर। और ठीक है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन ये भी अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। हाँ, अब इसमें सत्यता इसलिए मानी जाती है कि मान लीजिए क्या कहावत है कि जब ये पूजा की जाती है तो गरुड़ जरूर आता है। अच्छा, तो जबकि कुछ पता नहीं था कि गरुड़ कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन जब पूजा स्टार्ट हुई और कार्यक्रम हुआ तो उसमें गरुड़ आ गया। अच्छा, गरुड़ आ गया तो हमारी मतलब पूजा इस मतलब सफल हो गई। सफल हो गई। हाँ, कहते हैं कि गरुड़ का दिखना जरूरी होता है। ये गांव है और ताऊ जी ने हमें बताया भी था कि इस गांव में साधन बहुत हैं, पानी का, हर चीज़ का साधन, स्रोत, सब चीज़ है। हाँ, तो लकड़ी है, पानी है, और ये जंगल का तो ये पीछे जो है पूरा, ये पूरा जंगल है, ये हमने आपको दिखाई दिया है। हाँ, और इसे क्या बोलते हैं, छन्नी, अखरोट का पेड़ है, ये गौशाला, गौशाला हुई है, हिंदी में गौशाला कहते हैं, हिंदी में से गौशाला कहते हैं। हाँ, हम लोग छन्नी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन हिंदी में इसको गौशाला कहा जाता है। तो ये जो गौशाला है सबकी एक तरफ लाइन से है। हाँ, लाइन से ऊपर नीचे भी है। मैंने कहा मैं किलोमीटर